गुड एंड शेयर के प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भाई सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल भाईजान, यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ दी नॉर्थ वॉक, नॉर्थ नाजमाबाद, बिल मुकाबल सैफी हॉस्पिटल। आज मैं एक खास मकसद के लिए आया हूँ। यहाँ पर आज हो रहा है बोरा फूड फेस्टिवल। जी हाँ, बिल्कुल बोरा फूड फेस्टिवल, जो कि खास कम्युनिटी का है। यहाँ पर शॉपिंग सेंटर में तरह तरह की चीजें मौजूद है। यहाँ पर आउटलेट्स हैं और इनके रूफ टॉप पे यहाँ पर आपके पास तरह तरह के फूड कोर्ट्स मौजूद हैं, तरह तरह के स्टॉल्स मौजूद हैं, बच्चों के लिए प्लेलैंड मौजूद है। आप मेरे साथ चलेंगे इस पूरे सफर में और मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि क्या सीन है। तो जनाब, मैं मौजूद हूँ बोरा फूड फेस्टिवल के फूड कोर्ट के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे पड़े हैं और पूरा कराची उमंड के आया हुआ है। जगह भाई, जगह जगह रश, पाँव रखने की जगह नहीं है। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, हम यहाँ पर चेक करेंगे और आपको बताते रहूंगा कौन कौन से स्टॉल्स हैं यहाँ पर लगे हुए। जैसे कि मेरी नजरों से बहुत सारे स्टॉल्स गुजर रहे हैं यहाँ पर। भेलपूरी, कचौरियाँ, केक, फ्रोजन आइटम्स और आइसक्रीम्स, अचार, बहुत सारे। जनाब यहाँ पर मोमोज देख रहे हैं आप, मोमोज काउंटर यहाँ पर बना हुआ है और मोमोज काउंटर में खासा रश है। बच्चों, औरतों और भाई सारी तरीके के लोग हैं और इसी के बिल्कुल साथ में सबसे स्पेशल बोरा स्पेशल थाल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर थाल की तैयारियाँ चल रही हैं। साथ में हमारे बिल्कुल उसके साथ में दाल चावल, बोरियों के दाल चावल भाई स्पेशलिस्ट, क्या बात है, जबरदस्त गर्मा गर्म दाल चावल और साथ में मिर्चियाँ भी हैं। उसके बिल्कुल साथ में एक और काउंटर है और बिल्कुल माल पूरा, क्या बात है भाई, माल पूरा, वो भी लाइव कुकिंग हो रही है जबरदस्त से, ताजा ताजा से, क्या ही अरोमा, क्या बात है, एमन कनेक्शन। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, होम मेड है भाई। यहाँ पर भेलपूरी, कचौरी, केक्स एमन वालों की तरफ से। अब मैं मौजूद हूँ बोरा कुजीन यहाँ पर फेस्टिवल के बोरा कुजीन काउंटर पर और मेरे साथ भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? सर ठीक है भाई, क्या स्पेशलिटी की है? हमारे सर दाल चावल है और हमारा बीफ पुलाव है। अच्छा। सबसे ज्यादा सेल में वो बीफ करंट पुलाव है। बीफ करंट पुलाव, ये थाली बनाई हुई आपने? जी है, हमने थाली बनाई है जिसमें थाली है। ये थाल कहलाता है, हम बेसिक जिसमें हम लोग खाते हैं, बोरा थाल कहलाता है। बोरा थाल जिसमें कंप्लीट बोरा थाल है, ये कंप्लीट है। क्या बात है भाई, आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, खारास है, मिठास है। अच्छा जी, ये अपने ऑप्शनल होता है, जैसे ऑप्शनल होता है, आपको मीठा रखना है, नमकीन रखना है या चिकन हो गई, ये सब चीज आप इसमें रख सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं जो चीज आपको ऐड करनी है इसमें। बिरयानी है, इसके अलावा स्लैश होता है, गोला गंडा होता है, सब चीज आप ऐड कर सकते हैं। क्या बात है भाई, बेहतरीन। तो व्यूअर साहब, चेक कर रहे हो यहाँ पे कितना रश है, बहुत जबरदस्त रश है और मेरे सामने बिल्कुल मौजूद है फातमी किचन काउंटर। यहाँ पर मौजूद है हमारे पास चिकन बोरा कटलेट्स, चिकन चीज बॉल्स, चिकन शामी कबाब और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं और बोरियों के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सारी मजे मजे की चीजें यहाँ पर कुक कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त भाई, जबरदस्त। इसके बिल्कुल साथ ही आप देखो, आगे हम चलेंगे इजी निम्कोस, यहाँ पर फ्रोजन आइटम्स की भी भरमार है, जबरदस्त भाई। काउंटर पे तो देखते हैं लग रहा है भाई सेल ही सेल, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त आला, क्या बात है, बहुत सारी चीजें भाई, लाइव कुकिंग, समोसे, कटलेट्स, क्या बात है, फ्रोजन आइटम के साथ साथ पार्सल भी करा रहे हैं, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ में मौजूद है बाबा जूस, फ्रेश जूसेस, क्या बात है, जायका अनोखा, चखते जाए और बताते जाए और मुझे भी देखे यार, स्मूथीज, कॉकटेल, मिंट, मार्गरीटा। सिर्फ बोरा कम्युनिटी की नहीं, यहाँ पर शहर के मशहूर और मारूफ ब्रांड्स भी मौजूद हैं और मैं मौजूद हूँ अभी हॉबनॉब बेकर्स के काउंटर पर। क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त सी चीजें हॉबनॉब्स वालों ने इंट्रोड्यूस कराई हुई है, बहुत सारी सैंडविचेस, केक्स, क्या बात है। और उसके बिल्कुल साथ में जो है आइसबर्ग वालों का काउंटर, आइसक्रीम, यमी, मामा मिया, बच्चे आप रश देखो बॉस, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, आइसबर्ग काउंटर, क्या बात है। इसके बिल्कुल साथ में डाउकन डोनट्स, जो कि तारुफ का मोहताज नहीं, क्या बात है, बेहतरीन डाउकन डोनट्स, जो नाम भी और जायका भी भाई, यहाँ के नगेट्स तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और मुझे लगता है सभी को पसंद आते हैं, क्या बात है, क्या बात है यार, जबरदस्त यमी यमी से और सारे फ्रेश। बड़ों के लिए यहाँ पर फूड कोर्ट के साथ बच्चों के लिए भी एंजॉयमेंट की बहुत सारी चीजें मौजूद है। यहाँ पर जिप लाइन मौजूद है, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर भाई। मुझे तो वो डायलॉग बेसाख्ती से याद आ रहा है कि मैं डैश हूँ जो यहाँ आया, आपको याद आया भाई, बेहतरीन, क्या बात है भाई, बड़ा दिल जिगर है बच्चे में और क्या बात है, बच्चे बड़े जबरदस्त एंजॉय, लेट्स गो, वो
भाई वो तो घर पहुंच गया। जी तो व्यूअर्स मेरे साथ मौजूद है मुस्तफा भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मुस्तफा भाई, यहाँ पर मैं आया हूँ, बड़ा रश है, बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल आप लोगों ने किया है, ये बताएं कैसा लोगों का फीडबैक कैसा है यहाँ का? सर बेसिकली लोगों का एक कॉन्सेप्ट था कि हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड कि आप लोगों के फूड्स के जो मेन्यू है वो काफ़ी चेंज होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे, तो हमारे एक बैठने का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है, हम थाल में बैठ के खाना खाते हैं, तो वो पहली दफ़ा हमने ओपनली इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पे, तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, यानी कि आपका वो थाल का एक्सपीरियंस लेना है, तो हम एक पर्सन को सर्विंग करते हैं एक थाल में, यानी कि वो एक साथ बैठ के खाते हैं। आपने देखा होगा वेडिंग्स में लोग अपना अपना अलग अलग खाते हैं, हम लोग सब साथ एक साथ बैठ के एक डिश एक साथ शुरू करते हैं, तो वो एक साथ पहले कंप्लीट करते हैं फिर दूसरी पे शिफ्ट होते हैं। तो बोरा जो कम्युनिटी है उनकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ये बोरा थाल या इसके अलावा भी कुछ और? सर बेसिकली खाने तो सबके सर इंजॉय हो ही रहे, ये जो तरीकेकार है बैठने का ये हमारा यूनिक है, ये लोगों को पसंद आता है, जब वो हमारी शादियों में आते हैं तो उनको ये चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस होती है न्यू, यानी कि ये तरीकेकार नया है, तो वो हमने इंट्रोड्यूस करा है। उसके अलावा हमारे मेन्यूज सारे डिफरेंट हो रहे, देसी गुजराती टाइप आप समझते होंगे, बोरा फ्राइड है, बिरयानी है, दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हमने इस दफ़ा इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पर। अच्छा एक आखिरी बात मैं पूछूंगा मुस्तफा भाई के, ये माशाल्लाह पहली दफ़ा यहाँ पर मुझे दिखा है, इस तरह के फेस्टिवल्स और भी करते रहेंगे इंशाल्लाह? इसका फीडबैक हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, तो अगर इसी तरह रहा तो इसी यहीं पर या कहीं और पर इसको सीज़न टू के नाम से हुआ तो मैं आपको कंफर्म नहीं कह रहा, अगर फीडबैक के बेस पर करना चाह तो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मुस्तफा भाई। ओके सर, अल्लाह। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, कैसे आज फैमिली के साथ? जी जी फैमिली के साथ। आज फैमिली भाभी की फरमाइश पे आए हो या खुद ही? नहीं नहीं, बच्चों ने बोला जंपिंग करनी तो आ गए, जंपिंग करने इधर दूर। बिल्कुल बिल्कुल। बोरा फेस्टिवल यहाँ पर जब आप आए हो क्या यूनिक पाया? यहाँ के खाने स्पेशली इनके ये कबाब वबाब टाइप के डिशेज, ये रोल वगैरह। अच्छा। ये टेस्ट करना है, मैं खानों का वैसे बहुत शौकीन हूँ। अच्छा, तो भाभी अच्छे खाने नहीं पकाती? भाभी बहुत जबरदस्त पकाती है, इनको दिखाने लाए कैसे भी पकाने हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, तो भाई को जबरदस्ती जिद करके लाई है, खुद ही लिया है? बच्चों की फरमाइश पे। अच्छा, तो भाई को आज कोई स्पेशलिटी है कि देखिए आपने जो पका के खिलाएंगी? देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। एंजॉय कर रही हैं आप? अभी एंजॉय कर रहे हैं। अब बात है यहाँ पर कराची की वर्ल्ड फेमस सुपर बिरयानी और बन कबाब का भी काउंटर मौजूद है। आई एम शॉक्ड बॉस, बेहतरीन यार, ये तो मैंने बस जो है ना जाके खाया है, और इनके पास यहाँ पर भी मुझे मौका मिला है और मैं टेस्ट करूंगा इसको जरूर, बहुत जबरदस्त बॉस, ये तो सबकी फेवरेट होगी और खाई भी होगी आप लोगों ने साथ में लगे हुए गोलगप्पे। व्यूअर्स बहुत रश, बेहतरीन, क्या ही क्राउड, लेकिन बड़ा मुनज्जम स्टाइल है भाई लोगों का, बहुत ही अच्छा क्राउड है यहाँ का। आगे हम देख रहे हैं हकीमी किचन्स, हकीमी किचन्स यहाँ पर लाइव चल रही है, और यहाँ पर देख रहे हैं हमारे हकीमी किचन्स में बहुत सारी चीजें हैं, आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मौजूद है। यहाँ पर बच्चे भी बड़े एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है स्वीटी? माहम। माहम बहुत प्यारा नाम है। माहम कैसे आई? पापा के साथ आई है? एंजॉय कर रही है? कैसे कैसे यहाँ पर कैसे देख कर आई है? यूट्यूब पे देख कर आई है या बस देख लिया रास्ते में और आ गई पापा के साथ? यूट्यूब पे देख कर आई है। और आपका नाम क्या है? मैं तो देखा भी नहीं था, मैं तो अभी इनके साथ आई हूँ। अच्छा, एंजॉय कर रहे हो आप? क्या क्या खाया? ये खा रहा हूँ। ये खा रहे हो, और क्या खानी है? अभी उसके बाद मैं आइसक्रीम खाऊंगा। आइसक्रीम खाएंगे, जबरदस्त भाई, एंजॉय कर रहे हैं मौजूद है फूड कोर्ट के अगले पोर्शन में, और यहाँ पर हैप्पी पिज्जा स्टॉल यहाँ पर मौजूद है, लाइव पिज्जा कुकिंग यहाँ पर आप देख रहे हो, मुसलसल कुक्ड हो रही है, और बिल्कुल साथ में शावरमा। ओहो क्या बात है, क्या ही खुशबू, क्या ही जायका, सबका मन पसंद भाई, मुझे तो बहुत पसंद है यार। व्यूअर्स बहुत रश है यार, मैं तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि बहुत रश है, मुझे वीडियो बनाने में खासी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये शॉर्ट्स ले रहा हूँ, भले थोड़ी दिक्कत हो रही है पर मेरी एफर्ट्स को अपने सराहना है और कमेंट करके मुझे बताना है, और मेरी वीडियोस को लाइक भी करते जाओ यार। आगे हम चलते हैं यार, आगे आप देख रहे हो चॉकलेट वर्कर्स, क्या बात है, ऐसे सिन चॉकलेट वर्क्स, क्या बात है, बेहतरीन, यहाँ पर जो है लाइव चल रही है, और बारबेक्यू हाउस, लाइव बारबेक्यू हाउस आगे मैं लेके चलूंगा अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ, लाइव बारबेक्यू सेशन ऑन है, बारबेक्यू, क्या बात है, दैट इज यू विल नेवर फॉरगेट, क्या बात है, बिल्कुल बेहतरीन, बोरा कुजीन भाई, बिल्कुल नाम से ही लग रहा है कि भाई बोरा बिरादरियों के लिए बेहतरीन, और बोरा फेस्टिवल में आया और बोरा कुजीन की बात ना हो, क्या ही बात है, बोरा कुजीन, ये आ गई भाई बोरा कुजीन, बेहतरीन सी बोरा कुजीन,
यहाँ बात शानदार, सारी चीजें लाइव है बॉस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा कि भाई यहाँ पर रेडीमेड चल रही है, लाइव चल रही है सारी बातें। ये थी आज की हमारी वीडियो, यकीन जाने मुझे बहुत मजा आया, यहाँ पर मुझे तरह तरह की चीजें मिली और मैंने बहुत इंजॉय किया, तरह तरह के फूड कोर्ट, बोरा सिस्टम को देखा, जाना बहुत करीब से। मैं सजेस्ट करूंगा कि कराची में पाकिस्तान में रहने वाले तमाम कम्युनिटी से कि यार इस तरह के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें और इस तरह की अपने कल्चर को दिखाएं, यकीन जाने इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए, इससे मोहब्बत में इजाफा होता है। आज की वीडियो का अख्तिताम मैं यहीं पर करूंगा इस दुआ के साथ कि जल्दी होगी मुलाकात, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।